जो लोग डिफेंस वाले बच्चों की नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग एसएससी वाले बच्चों की नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग अदर स्टूडेंट की नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग किसान की नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ हमारा तो एक छोटी सी मुहिम है कि उन लोगों को अपने कानों पर से हाथ हटाने पड़े और उन लोगों को हमारी बात सुननी पड़े। हम ये नहीं कहते कि आप कल ही रिजल्ट दे दो, हम ये नहीं कहते आप कल ही इनरोलमेंट दे दो, लेकिन हमें एक फिक्स डेट दे दो और उस फिक्स डेट पे हमें बता दो रिजल्ट आ जाएगा, उस फिक्स डेट पे हमें बता दो इनरोलमेंट आ जाएगा, तब तक हम अपना काम करें। सभी स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि सर इनरोलमेंट नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक फिक्स डेट मिले, क्योंकि अगर एक फिक्स डेट हमें मिलता है तो उसी के अनुसार हम आगे की अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम देखेंगे हमें आगे किस चीज की तैयारी करनी है, या फिर हम देखेंगे हमें कोई और काम तब तक कर लेना है नहीं कर लेना है, तो हम उसी तरीके से करेंगे। हमें ये नहीं पता लग रहा है क्या करना है। घर वाले हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तेरा हुआ भी है सिलेक्शन या तेरा नहीं हुआ है, रिश्तेदार पड़ोसी हमसे पूछ रहे हैं तेरा कुछ सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, अब तू क्या कर रहा है, फ्री क्यों बैठा है, हमारी तैयारी छूटती जा रही है। तो इस सारे क्वेश्चन का एक ही निष्कर्ष है, इन सभी क्वेश्चन का एक ही रिजल्ट है, एक ही उपाय है कि हमें या तो एयरफोर्स या सीएसबी या डिफेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट हमें कोई तो आश्वासन दे, कोई तो डेट दे कि भाई ऐसे आपका चलना है, और इसीलिए हमने ये मुहिम छेड़ी है। कुछ लोग ऐसे भी है जो माहौल को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़े, वो भी इस मुहिम का हिस्सा बने। ये मुहिम किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये मुहिम कैडेट डिफेंस एकेडमी की नहीं है, संजीव ठाकुर की नहीं है, ये मुहिम आरएस टीम की नहीं है, ये मुहिम जयहो की नहीं है, ये मुहिम अदर कोचिंग सेंटर की किसी की परमार की नहीं है, ये मुहिम बच्चों की है। और इस बच्चों की मुहिम में ये सारे टीचर जुड़ रहे हैं, और वही टीचर जुड़ रहे हैं कि जिन पर बच्चे विश्वास करते हैं, बच्चों को पता है कि भाई हमारे टीचर हमारे गुरुजन तो हमारा साथ देंगे, तो सारे गुरुजन बच्चों के साथ खड़े हैं। हमें ये नहीं बोलना है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, हमें पहले ही डीमोटिवेट नहीं करना है, माहौल को नेगेटिव नहीं करना है। किसी ने खूब कहा था कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये कहावत इसीलिए कही गई है कि जब हमें लग रहा है फल नहीं मिलेगा तब भी कर्म करते जाओ, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पहले ही डिसाइड मत करो, माहौल को नेगेटिव मत करो। अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आप कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे माहौल खराब हो। आपसे 8 तारीख तक का हमने लिया है टाइम कि 8 तारीख तक लगातार कैंपेन चलाओ। आज का हमारा टारगेट है 3 मिलियन ट्वीट का, तो अगर 3 मिलियन ट्वीट आज हम कर पाते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कल तक एसएससी वाले टीचर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। कल भी मैंने कॉन्टेक्ट किया है और आज मैं लगभग सबसे कॉन्टेक्ट करके रिक्वेस्ट करके, चाहे मुझे उनके सामने हाथ जोड़ने पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े, मैं उनको मनाकर इस मुहिम में उनको भी लेकर आऊंगा। और अगर वो लोग भी इस मुहिम में जुड़ गए तो ये 3 मिलियन ट्वीट 6 मिलियन में कब बदल जाएंगे, और ये 6 मिलियन ट्वीट 10 मिलियन में कब बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। और जब प्रेशर इतना ज्यादा बनेगा तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कुछ ना बताया जाए। और कल का भी मैं देख रहा था काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस ट्विटर कैंपेन के बारे में जिक्र किया, जैसे दा ललन टॉप है, तो ललन टॉप पर भी इसका जिक्र हुआ कि हमने जो कैंपेन चलाया था उसके बारे में वहां पर भी बताया गया। एक दो और थे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है जिन्होंने ये जिक्र किया, तो कम से कम कुछ की तो नजरों में चीजें आ रही है। कल का कैंपेन हमने किया, कुछ की नजरों में वो चीजें आई, आज का करेंगे और ज्यादा लोगों की नजरों में आएगा जब ये कैंपेन लगातार चलता रहेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं अगर आप 8 तारीख तक इस कैंपेन को चलाते रहे और अगर आपने ये कैंपेन 10 मिलियन ट्वीट पर आप लेकर चले गए तो ये कैंपेन आपको न्यूज में भी दिखेगा। हो सकता है कि कुछ चैनल न्यूज चैनल वाले ना दिखाए जो देश में हो रही घटना राजकता को नहीं दिखाते, लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी है जो इस चीज को जरूर दिखाएंगे। तो आपको लगातार ट्वीट करने हैं और लगभग समय हो चुका है और 11 हमारे बज चुके हैं, लगातार ट्वीट करने हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो आप बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एनडीए का हमारा एग्जाम है हमारे पेपर के बारे में, बच्चों 8 तारीख वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड आफ्टरनून, पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ में एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं बेटा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 बजे लाइव आऊंगा, हमारे क्लासे भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि एक बहुत बड़े धर्म संकट में इस वक्त किस प्रकार हम फंसे हुए हैं कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक रीजन आपके पास है, अभी एनडीए का एग्जाम है, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम है, लास्ट डे हमने एक पूरा दिन सेक्रीफाइस किया और वहां पे आपने देखा रिजल्ट आपके सामने थे। कल सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगातार बैक टू बैक हमने आपका जो एक ग्राउंड लेवल पे मोटिवेशन था बरकरार रखा। चाहे यहाँ पे खड़े रहने की हिम्मत नहीं हो, सारा लेके खड़े हैं, लेकिन सुबह से शाम तक बच्चा ट्विटर से यूट्यूब पे, यूट्यूब से ट्विटर पे लगातार उसको मोटिवेट करते रहे और उसका रिजल्ट कल आपने देखा 20 लाख का टारगेट लेके आए थे और वो पूरा किया। लेकिन उस चीज को अपन डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। और अगर मैं मेरी बताऊं, मेरे स्टूडियो की बात बताऊं, 2 स्टूडियो है, दोनों स्टूडियो रेगुलर लाइव क्लासेज में यूज आ रहे हैं, तो मैं रेगुलर 8-10 घंटे लाइव आपके साथ नहीं रह सकता और उसका इंपैक्ट आपने देखा, कल देखा और आज देखा। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं बेटा, एक क्लियर मैसेज मैं आपको दूं, कल बहुत जबरदस्त आपका सपोर्ट था, मैं नहीं कह रहा कि आज आपका सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर अपन कंपेयर करते हैं, अभी जैसे हमने ट्वीट और रीट्वीट किए हैं, बैक टू बैक हमारी टीम ट्वीट और रीट्वीट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपन यहां पर यह चीज देखते हैं, अगर कहीं ना कहीं ये चीज अपन यहां पर देखते हैं तो आज आप देख रहे होंगे मतलब आसपास भी नहीं है,
अगर अपन कहीं पर भी इन चीजों को अपन देखते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है, एक एक चीज मैंने नोटिस किया है, देखा है, लेकिन वो चीज कहीं पर भी नहीं दिख रही है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं, वही चीज है लास्ट टाइम जो थी, वो इसके अलावा कोई अपडेट अभी तक इसमें नहीं हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिला। तो बेटा एक क्लियर, मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि आप, मैं मानता हूं कि विश्वास से भरोसा है इस बात पे कि हाँ आरएसआर आएंगे, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल तहे दिल से आभार है, वेलकम है, सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त सपोर्ट आपका, हमारा भी आपके साथ है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करूं बेटा कि एक बहुत बड़ा धर्म संकट है एनडीए वाले बच्चों के लिए, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि क्लासे कंटिन्यू करना जरूरी है, और अगर क्लासे कंटिन्यू होती है तो मैं यहाँ पे 7-8 घंटे लगातार आपके साथ लाइव नहीं रह सकता पा रहे हैं हम। तब तक आपके सामने रिजल्ट आपने आज देख लिया, और कल का रिजल्ट आपके सामने है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 20 लाख आपके ट्वीट और रीट्वीट हो चुके थे, ट्रेंडिंग इन इंडिया में आपको वो चीजें दिख रही है, और आज आप सामने देख रहे होंगे, क्योंकि उस चीज को अपन ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं नहीं लेके आप, मतलब नहीं ले आ पाए, कहीं ना कहीं वो चीज आपकी कमी खल रही है। ऐसी बात नहीं है कि आपका सपोर्ट नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, आपका प्यार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस धर्म संकट से आपको भी एग्री करना पड़ेगा कि बेटा अगर आपका एग्जाम हो एयरफोर्स का, और 1 महीने पहले अगर मैं आपकी 3-4 दिन क्लासे ऑफ कर दूं, तो सोच के देखिए। और जिस बच्चे से हमने कमिटमेंट किया है, अभी कल जैसे क्लासे बच्चे की नहीं हुई, मैंने कह दिया संडे को गर्दा उड़ा देंगे, संडे को कहीं ना कहीं वो क्लासे में पूरी करवा दूंगा, और हमारा जब कमिटमेंट होता है तो हम उसको पूरा करने के लिए जी जान से लग जाते हैं, परवाह नहीं करते, हम अपना कर्म करते हैं। और मैंने एक बात कल भी कही थी और आज भी कही है, और कहता हूं हमेशा कि अगर कोई काम करो तो उसमें अपने दिलो जान से मेहनत करो, आउटपुट आप ही के फेवर में आएगा, ठीक है। तो बेटा एक चीज आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर अपन यहां पे देखते हैं कि कल में और आज में दिन रात का डिफरेंस है, बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंस है। बस फर्क इतना है कि जब मैं यहां पे लाइव हूं तो बच्चा एक्टिव है, जैसे मैं लाइव ऑफ करता हूं बच्चा उस लेवल पे एक्टिव नहीं रह पाता है, उस लेवल पे अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाता है, और कहीं ना कहीं वही आपको बड़ा एक रीजन है जो अपने को वो चीज आज वो कमी खल रही है। तो बेटा यहाँ पे मैं एक मैसेज ये भी दूं कि सारे YouTube प्लेटफॉर्म जहां से भी आपके लिए एफर्ट लगाया जा रहा है, सभी का वेलकम है, सभी का आभार, और उनका जो सपोर्ट है तहे दिल से हम वेलकम करते हैं, और हम भी बच्चों के साथ में सपोर्ट में हैं। जैसा भी लगेगा कि हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए, हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस एक ही चीज है कि हम क्लास बच्चे का मिस नहीं कर सकते, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, चाहे वो एसएससी जीडी का बच्चा हो, चाहे नया एयरफोर्स नेवी के लिए तैयारी करने वाला बच्चा हो। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी होगी, कुछ चीजें बीएसएल क्लियर करेंगे और फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। हाँ बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा जैसे सुबह 11 बजे से हमने कैंपेन लॉन्च किया था, और डेफिनेटली जैसे ही हम लाइव आए थे उस टाइम पे आपको जो पेस हमारे प्लेटफॉर्म पे शो कर रहे थे कि हर 5 मिनट के अंदर 500 से ऊपर रिट्वीट्स हमारे हैशटैग्स पे चल रहे थे, और 1 घंटे के अंदर हमने लगभग 40 से 50 ट्वीट्स है वो अपने प्लेटफॉर्म से किए थे। और उसका ये मान के चलो कि अगर 500 एवरेज में 500-600 ट्वीट्स भी मान रहा हूँ तो भी लगभग 25 से 30 हज़ार रीट्वीट्स है वो आधे 1 घंटे के अंदर हो गए थे। लेकिन वही चीज़ है बेटा, जैसे आरएसएस ने बोला कि जब तक आप ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू रह के बच्चों के साथ में, आपके साथ में नहीं जुड़ के रह पाते हैं, तब तक वो चीज़ें हैं वो आगे नहीं चल पाती।